गुड मॉर्निंग। हमारे हैंगिंग प्लांट्स फिर से लगाने के टाइम आ गए हैं। ये सारे प्लांट्स विंटर में काफ़ी ख़राब हो गए और कुछ सूख भी गए पूरी तरह से, तो इन्हें फिर से छोटे छोटे कटिंग्स लेकर पॉट में लगा दें। जैसे ये मेरा बेबी टियर है, इसे मैंने ढेर सारे नए पॉट में लगा दिए हैं। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पॉट में इन्हें लगा के रख दिए हैं। कुछ दिन में यह पॉट नए नए जड़ से भर जाएगा और पौधा बढ़ने लगेगा, तब मैं इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। इसमें मैंने बेबी टियर्स और वॉलिवियन जीव लगा के रखे हैं। यहाँ भी वॉलिवियन जीव ढेर सारे लगाए हैं जो कि जल्दी ही तैयार हो जाएगा। कम से कम एक महीने में तो ये पॉट तैयार हो जाएगा। ये टर्टल वाइन है, ये तो पॉट में सूख गया था, तो मैंने सूखे हुए ब्रांचेस सारे काट दिए। अब ये देखिए नए नए ब्रांच निकल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और कुछ तो नीचे की ओर लटकने भी लगे हैं। तो इन्हें आप दूसरे पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर उसी पॉट में छोड़ दीजिए, तो ये उसी में बड़े हो जाएंगे। ये वंडरिंग जीव, इसकी भी बहुत सारी पत्तियाँ सूख गई हैं। मैंने इनकी भी बहुत सारी कटिंग लेकर के नए पॉट तैयार किए हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ, इनके टिप पर के पॉइंट को इस तरह से निकाल लेती हूँ और नीचे के दो चार पत्तियों को रिमूव करके फिर नए पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। इनकी मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन बनानी होती है, जिनमें कि बालू की मात्रा ज़्यादा रखिए। मैंने एक पॉट में कुछ प्लांट्स लगाए थे जो कि अब काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए सारे टिप के इनमें मैंने ब्रांच डाले हैं। ये ब्राज़ील पोथोस, इसके भी छोटे छोटे ब्रांच ले लीजिए इस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ नोड एरिया में रूट आते रहते हैं, यहाँ से ले लीजिए छोटे छोटे कटिंग काट करके और इसे नए पॉट में लगा दीजिए। फिर ये बहुत जल्दी ये सारे रूट बड़े हो जाएंगे और नया पॉट आपका तैयार हो जाएगा। और अभी फरवरी के मौसम में तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी ले लेता है। और एक ये देखिए, ये फिलोडेंड्रॉन है, ये भी नोड एरिया से ही रूट निकालता है इस तरह से। ये देखिए यहाँ, ये यहाँ छोटे छोटे रूट दिख रहे हैं, यहाँ से कट करके आप मिट्टी में लगा देंगे तो फिर इसके भी बहुत जल्दी नए पॉट तैयार हो जाएंगे। इसकी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ जब नीचे की ओर गिरती हैं पॉट से तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा हैंगिंग पॉट तैयार हो जाता है बनकर। ये गोल्डन पोथोज है, देखिए काफ़ी घना है। धीरे धीरे मैंने इसमें कटिंग कर कर के इसी पॉट में बहुत सारे ब्रांचेस लगा दिए जिससे कि ये थोड़ा घना होता चला गया। और इसी तरह से कटिंग करके आप नए पॉट में भी अभी लगा सकते हैं। इसमें भी नोड एरिया में रूट आते हैं, इस तरह से पूरे नोड एरिया में रूट भरे होते हैं इनके, और बस आपको दूसरे पॉट में लगाने की ज़रूरत है। ये बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाते हैं और पॉट अच्छे से तैयार हो जाता है। और इसके कलर तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, नियॉन कलर। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है। मनी प्लांट तो बहुत कलर के होते हैं, पर ये गोल्डन पोथोस बहुत सुंदर कलर होता है इसका। और एक ये प्लांट है फर्न, गोल्डन फर्न, और इसमें भी इसके भी हैंगिंग बास्केट बनाने बहुत आसान है। इसके ढेर सारे ब्रांचेस तैयार होते रहते हैं पॉट में, और इसे बगल से निकाल कर नए नए ब्रांच दूसरे पॉट में डाल दें और ये बड़े अच्छे से चलता रहेगा। इस पौधे को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसे हर दिन थोड़ी थोड़ी पानी दें। इनके पत्तों के ऊपर भी सावरिंग करते रहें, ये हमेशा आपके गार्डन में अपनी खूबसूरत पत्तियों से
शोभा बढ़ाता रहेगा आपके गार्डन की। ये देखिए मेरा सारा फर्न बहुत खूबसूरत है, इसके गोल्डन कलर तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। हैंगिंग में सबसे लाजवाब तो ये स्पाइडर प्लांट होता है, जो कि खुद से ही नए नए पौधे तैयार करता रहता है। बस इस तरह से ये लटकता रहेगा नए पौधे बनाकर। ये देखिए इन पौधों को आपकी जब मर्जी हो निकालिए और बालू में लगा दीजिए, फिर ये बहुत अच्छे से रूट डेवलप कर लेगा। उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये जब आपके पॉट में इस तरह से हैंग करता रहेगा तब भी बहुत खूबसूरत लगता है, और जब आप इसे लगा देंगे तब तो आपके गार्डन में फ्री का पौधा तैयार हो ही जाएगा। तो अभी इसका सीजन है, आप लगाइए इसे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने गार्डन में बना लीजिए। मैं तो एक ही ये है लाई थी पौधा, आज देखिए मेरे पास कितने सारे पौधे हैं। इस तरह से गुच्छे में ये लटकता रहता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। इसे छोटे बड़े जिस भी साइज़ के पॉट में लगा देंगे, पौधा उसी के अनुसार अपना आकार बढ़ाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसे हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा, और इस तरह से बड़े से पॉट में भी लगा दीजिए तो इस तरह से बनकर पॉट तैयार हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। ये चार्ली क्रीपर, इसके गोल गोल पत्तियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके भी नोड एरिया में जड़ निकल आते हैं, ये थोड़ा सा वक्त लेता है लगने में, नोड एरिया में बहुत हल्की सी जड़ होती है। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग करके पॉट में लगा दीजिए और ये बड़े आसानी से लग जाएगा और नया पॉट तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग पॉट में। ये नियोन पोथोज को भी माउस स्टिक के साथ पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। दोनों में ही काफ़ी खूबसूरत बनकर तैयार होता है इसका पॉट। इसमें भी नोड एरिया में रूट होते हैं, जो कि मिट्टी में डालने के बाद बड़े हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ से कट करके मिट्टी में डाल दें और ये बड़े जल्दी तैयार हो जाएगा नया पॉट। और देखिए मेरा ये हैंगिंग पॉट, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। मैंने तो काफ़ी नियोन पोथोस के पॉट तैयार किए हुए हैं। ये एक मेरा हैंगिंग पॉट है। ये एक मार्बल पोथोस, इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और इसे भी अभी कटिंग से लगाया जा सकता है। इस तरह से इसमें भी बहुत सारे नोड एरिया होते हैं। ये देखिए इसके नोड एरिया में रूट बने हुए हैं, जो कि आप कट करके मिट्टी में लगा दें और नया पॉट आपका तैयार हो जाएगा। ये इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं। इसे हैंगिंग में भी लगाइए और पॉट में, दोनों स्थिति में ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये मेरा सिंगोनियम, इसे तो मैंने मॉस स्टिक लगा करके बड़े से पॉट में डाल रखे हैं, तो ये काफ़ी घना हो गया है। वैसे आप इसे छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी। ये बड़े गमले में देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, इसे लगाना भी आसान है। मैं बताती हूँ, देखिए इसमें भी नोड एरिया बने हुए हैं इसके स्टिक, इसमें भी इस तरह से रूट आए हुए हैं और इस तरह से हर नोड एरिया में देखिएगा रूट दिखाई देंगे। इन्हें कट करके नए पॉट में डाल दें, अब नया गमला तैयार हो जाएगा। इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, किसी भी साइज़ के पॉट में लगाइए, हैंगिंग में भी लगाइए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये एक मेरा टैंगल हट, जो कि अब ब्राउन होने लगा है, तो मैं इसे रिमूव करूँगी और नए पॉट में शिफ्ट करूँगी। इसे लगाना भी बहुत आसान है। पॉट में बालू मिट्टी और कंपोस्ट डाल करके मिट्टी तैयार कर लें और उसके ऊपर इनकी ब्रांच को गोल राउंड करके
बस ऊपर से रख दें, बस उतने में ही यह अच्छे से जड़ बना लेता है और पौधा तैयार हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है हैंगिंग में। खास करके देखिए ये कितना लंबा हैंग कर रहा है, विंटर में तो ये ख़राब हो गया है, लेकिन अब मैं इसे फिर से रिमूव करके लगाने वाली हूँ। मैं एक बार में पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ, इसकी लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा होता है ये देखने में, बहुत ब्यूटीफुल तैयार होता है। ये देखिए मैंने कुछ हैंगिंग प्लांट्स तैयार करके रखे हैं, जिनमें कि अभी तो कुछ मैं फिर से रिमूव करने वाली हूँ और नए नए पॉट तैयार करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने काफ़ी प्लांट्स तैयार किए हुए हैं और मैं करती ही रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।